देखिए, राज्य सरकार के निर्देश के क्रम में एज ए नोडल अधिकारी हम सहारनपुर जनपद में आए हैं। सभी हॉटस्पॉट्स और सेंसिटिव एरियाज और यहाँ पे जो क्वारंटाइन सेंटर्स रखे हुए उसका विजिट हम लोग कर रहे हैं। अभी तीन दिन से हमने सभी हॉस्पिटल्स देखा हुआ है। आज गंगो आए हुए हैं, यहाँ पर हमने क्वारंटाइन सेंटर देखा हुआ है। यहाँ 5-6 अन्य राज्यों के जो वेस्ट बंगाल से हैं, तेलंगाना से हैं, अदर स्टेट्स के भी काफ़ी यहाँ पे हैं। अभी हम लोगों ने रिव्यू किया हुआ है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं सबकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गए हैं और अधिकांश लोगों ने अपना 14 दिन का जो टाइम है कि क्वारंटाइन का वो भी पूरा किया हुआ है। जनपद के जो जमाती हैं जिन्होंने नेगेटिव आया है, जिन्होंने लोकल जमाती हैं उनका जो है कि हम लोगों ने आज 14 दिन पूरा करने के बाद उनको घर भेजने के लिए निर्देश दिया हुआ है। अदर जो बाकी लोग हैं जो अदर स्टेट्स के हैं, कभी अदर स्टेट्स के जमाती को वहाँ पर लेने के संबंध में वहाँ की स्टेट्स से कोई सहमति जब तक नहीं बनेगी उनके बारे में भी निर्णय नहीं हो सकता, यही हम उनको समझा भी रहे हैं। सर, एक क्वेश्चन है कि लगभग 11 जो पेशेंट हैं जो कोरोना से रिजल्ट पॉजिटिव हैं वो सीएचसी गंगो में है ना, तो उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिल पा रही हैं, ना धूप मिल पा रही है, सिर्फ उनको वहाँ पर भोजन प्रोवाइड किया है और उनका बंद कर रखा है। मैंने अभी CMO साहब से हमने बात की है, जो प्रिजम्प्टिव पॉजिटिव केसेस के बारे में निर्देश यही है, 5 दिन उनको नेगेटिव मानते हुए रखते हुए दोबारा उनको सैंपल लेके जो है वहाँ पे भेजना है। अभी हमने बात की है, वो CMO साहब खुद भी यहाँ पे आएंगे जो है तो उनकी व्यवस्था करेंगे। क्वारंटाइन के जो लोग यहाँ पर लोग हैं उनके लिए डाइट चार्ट कहाँ से उपलब्ध हो पाएंगे? देखिए, कोई फिक्स डाइट चार्ट करके शासन से कोई निर्धारित नहीं है। वहाँ पे लोकल एक खाने पीने की चीज़ें हर लोकली भी चेंज होते हैं और कुछ लोग रोज़ा रख रहे हैं, कुछ लोग रोज़ा नहीं रख रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं के दृष्टिगत जो है स्थानीय स्तर पे SDM साहब और CO साहब उपलब्ध करा रहे हैं। अंतिम सवाल, आज कितने लोगों को यहाँ से डिलीट किया? तो 24 का तो लिस्ट फाइनल हो गया है, उसमें 30 लोगों की और की मेडिकल रिपोर्ट जो है कल आई है। उन 30 में जो है जो भी जनपद स्तर के वाले हैं उनको आज छोड़ा जाएगा। धन्यवाद।